यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विनेश, जहां पर लग रहा था कांटे की टक्कर है नेक टू नेक, लेकिन एक बार जब ऊपर निकले हैं बीजेपी के प्रत्याशी, वो ऊपर चलते चले जा रहे हैं और अंतर को आप बड़ा कर रहे हैं, उस गैप को वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम को आप वजह मानते हैं, प्रत्याशियों के चयन को आप वजह मानते हैं, मेहनत को या फिर लोगों की उम्मीदों को वजह मानते हैं कि लोगों को अपेक्षाएं, उम्मीदें, विश्वास ज्यादा है अन्य पार्टियों की तुलना में बीजेपी पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी रिजल्ट होगा वो समग्रता का रिजल्ट होगा, संगठन की क्षमता का रिजल्ट होगा, स्ट्रेटजी का रिजल्ट होगा, नरेंद्र मोदी के की और अमित शाह की स्ट्रेटजी का रिजल्ट होगा और योगी आदित्यनाथ के काम पर भी ये मैंडेट होगा। ये सेमीफाइनल है, यानी 2022 से पहले का ये सेमीफाइनल है, तो इसे समग्रता में देखा जाए। भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता है, ये एक तरह से संगठनात्मक तरीके से चलने वाली पार्टी है। योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर भी मैंडेट है, अगर 3.5 साल से ज्यादा की सरकार योगी आदित्यनाथ की चल रही है तो उस पर भी अगर सीटें कम होती तो सबसे बड़ा सवाल योगी आदित्यनाथ पर खड़ा होता कि 3.5 साल। वीरेश, देखिए, आप अच्छे से उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं और आप अच्छे से विश्लेषण करके बताते भी हैं कि कहां पर किसको क्या वर्क करने की जरूरत। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।